हे गाइस स्वेयर कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। सबसे पहले आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। किसी भी एक फ़ोटो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पे रैंडम एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंजी को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव करना है और यहाँ से बैक आ जाना है। ओके इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना है। आपको एक ही फ़ोटो को क्रॉप करना है। अब आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और ध्यान से देखो आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो एड फोटो, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है और आपने जो फोटो को क्रॉप किया उसको सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। फिर से आपको अपना नॉर्मल फोल्डर वाला फोटो को सेलेक्ट करना है, अपना नॉर्मल फोटो वाला फोल्डर को सेलेक्ट करना है और फोटो को एड करके ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो यार आपको इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को ऐड कर करके ट्रिम करते रहना है। ओके जैसे कि आप लोग दे सकते हो तो ध्यान से फिल कंपोजिशन एरिया भी जरूर से कर लेना। ओके तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो अब जितना ही फोटो आप यहाँ पे आपका है मतलब ऐड हो रहा है, यहाँ पे जितना भी बीट मार्क है सभी बीट मार्क में आपको अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से। ओके तो मैं यहाँ पे अपने सभी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इस प्रकार से जो आपको अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। सो इस प्रकार से फोटो ऐड कर लेना, लेकिन सबसे लास्ट वाला जो बीट मार्क है उसको छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट लगा हुआ है फ्लैश इफेक्ट। अब सिलेक्ट करके आपको इस प्रकार से देख लेना सही से फोटो आपका एडजस्ट हुआ नहीं हुआ। तो अब यहाँ से आपको बैक करना है और सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन करना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको सबसे पहला वाला फोटो पे क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब सिलेक्ट करके आगे जाना है। ओके आगे जाने के बाद यहाँ पे जो आपने फोटो एड किया 5 सेकंड से, इसमें से पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर मतलब पहला फोटो पर क्लिक करके अब यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है ध्यान से देखो, 1 2 3 फोटो को छोड़ के चौथा फोटो में इस वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ से 1 2 3 फोटो को छोड़ के चौथा फोटो में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के चौथा में पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर चौथा फोटो ही नहीं है तो ये कहीं पर भी पेस्ट नहीं होगा। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन करेंगे और सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है उसको कॉपी कर लेंगे सेम उसी प्रकार से और यहाँ से बैक आएंगे, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और स्लाइड करके आगे चले आएंगे और जहाँ पे हमने मतलब अपना फोटो को ऐड किया प्लस पे क्लिक करके 5 सेकंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला फोटो है जो कि 6 सेकंड पे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेकंड वाला फोटो है 6 सेकंड पे, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। अब सेम उसी प्रकार से हम करेंगे इस फोटो को छोड़ के यहाँ पे 3 फोटो को छोड़ेंगे, मतलब इस फोटो को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसमें हमने इफेक्ट पेस्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 फोटो को मतलब छोड़ के चौथा फोटो में यहाँ पे इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके इस प्रकार से फिर 1 2 3 चौथा में यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस प्रकार से, फिर 1 2 3 तो यहाँ पे आप कोई भी लेयर नहीं है तो यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं होगा। ओके फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन कर लेंगे और थर्ड नंबर का जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेंगे, जो हमारा तीसरा नंबर का इफेक्ट है यहाँ से बैक आएंगे, सेकंड मतलब बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, स्लाइड करके आगे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है 6.28 सेकंड पे, मतलब 6.22 सेकंड में जो फोटो है यहाँ पे तीसरा फोटो जो है जो हमने प्लस पे क्लिक करके ऐड किया, इसमें हम पेस्ट करेंगे इस वाले इफेक्ट को। फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, 1 2 3 फोटो को छोड़ के चौथा में पेस्ट कर देंगे, फिर 1 2 3 छोड़ा हमने और यहाँ पर चौथा में पेस्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको देखना है और इधर कोई लेयर नहीं है तो यहाँ से फिर बैक आएंगे, सेकंड फेड प्रीसेट को ओपन करके सबसे लास्ट वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ से फिर बैक आएंगे और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करके आगे चलाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा चौथा फोटो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे 7 सेकंड पे जो है, ओके इसमें पेस्ट कर देंगे इस वाले इफेक्ट को, फिर 1 2 3 फोटो को छोड़ के चौथा में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब 1 2 3 छोड़ के चौथा आप पेस्ट करोगे चौथा फोटो में, ओके तो वो वही फोटो रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी सब फोटो में इफेक्ट लग गया है। फिर यहाँ से बैक आएंगे, सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के चारों लेयर को सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, इस वाले आइकन पे क्लिक करके
कॉपी फोल्ड लेयर करना है, यहाँ से बैक आना है, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, इस वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट फोल्ड लेयर कर देना है। जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना।